एसेट मिसाइल के सफल परीक्षण के बाद डीआरडीओ और इसरो किसी भी संभावित खतरे से निपटने की तैयारियों में जुट गए हैं। इसमें डायरेक्ट एनर्जी वेपन यानी डीईडब्ल्यू और को ऑर्बिटल किलर्स को विकसित करने के अलावा अपने सैटेलाइट्स को इलेक्ट्रॉनिक और फिजिकल हमले से बचाने के तरीके शामिल हैं। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के प्रमुख जी सतीश रेड्डी ने बताया कि हम डायरेक्ट एनर्जी वेपन, लेजर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स के साथ को ऑर्बिटल किलर्स की तकनीक को और ज्यादा एडवांस बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं। 27 मार्च को भारत ने जमीन से मिसाइल दागकर पृथ्वी की निचली कक्षा में 300 किलोमीटर की रेंज पर मौजूद एक सैटेलाइट को मार गिराने की अपनी क्षमता का प्रदर्शन किया था, जिसके बाद भारत ऐसी क्षमता वाला चौथा देश बन गया। परीक्षण में इस्तेमाल किया गया उपग्रह भारत का था और परीक्षण के बाद इसके हजारों टुकड़े हो गए थे। डीआरडीओ प्रमुख जी सतीश रेड्डी ने कहा कि 3 स्टेज वाली इंटरसेप्टर मिसाइल 1000 किलोमीटर तक मार करने में सक्षम है। इसके साथ ही ये मिसाइल एक बार में कई लक्ष्यों पर निशाना साध सकती है, यानी एक बार में कई सैटेलाइट्स मार गिराए जा सकते हैं। अगर देश के मुख्य उपग्रहों को निशाना बनाया जाता है तो सशस्त्र बलों की मांग पर मिनी सैटेलाइट्स को लॉन्च करने की योजना है। डीआरडीओ लंबे वक्त से कई तरह के डीईडब्ल्यू जैसे उच्च ऊर्जा वाले लेजर और उच्च शक्ति वाले माइक्रोवेव कार्यक्रम चला रहा है, जिससे हवाई और जमीन पर स्थित किसी भी लक्ष्य को नष्ट किया जा सकता है।